कुमार स्वामी की शपथ के बहाने 2019 के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों के नेता शामिल होंगे कल समारोह में। सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल होंगे कुमार स्वामी के शपथ समारोह में, पहली बार मायावती अखिलेश भी दिख सकते हैं एक साथ। कुमार स्वामी के शपथ समारोह में ममता और केजरीवाल भी दिखेंगे, चंद्रबाबू नायडू और केरल से सीएम पी विजयन भी शामिल होंगे। कुमार स्वामी के शपथ समारोह के लिए जेडीएस का विज्ञापन, दाएं बाएं सोनिया राहुल के फोटो, लेकिन बीच में जयप्रकाश। इमरजेंसी में जेपी ने दिया था इंदिरा मुक्त भारत का नारा, विज्ञापन में देवेगौड़ा के साथ साथ मायावती का भी फोटो। कर्नाटक की नई सरकार में किसके कितने मंत्री होंगे आज तय हो सकता है, बेंगलुरु में कांग्रेस और जेडीएस की बैठक में लग सकती है मुहर। कैबिनेट में एक बीएसपी विधायक को मंत्री बना सकते हैं कुमार स्वामी, सूत्रों की खबर, कुमार स्वामी की मायावती से मुलाकात में हुई थी इस पर बात। सरकार बनाने से पहले फिर मठ मंदिरों के दौरे पर कुमार स्वामी, मंजूनाथ मंदिर के बाद श्रृंगेरी मठ भी पहुंचे। कुमार स्वामी ने दावा किया कि स्थिर रहेगी और पूरे 5 साल चलेगी उनकी सरकार, मंत्रियों की संख्या पर मतभेदों को खारिज किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रियों की संख्या पर तकरार को गलत बताया, कहा विश्वास मत के बाद तय होगी संख्या, स्पीकर कांग्रेस का होगा। खड़गे का बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर पलटवार, कहा जनादेश में सीटें भले ही बीजेपी को ज्यादा मिली लेकिन वोट कांग्रेस को 2% ज्यादा मिला। कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों की ओर से किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग, 7 बार से विधायक रहे रोशन बेग का समर्थन किया। चेन्नई में कावेरी मुद्दे पर डीएमके का सर्वदलीय बैठक, कावेरी बोर्ड के गठन नहीं होने पर राज्य और केंद्र की निंदा।